बड़ी खबर की बात करते हैं। नैनीताल से बड़ी खबर आ रही है। चारधाम देवस्थानम एक्ट को चुनौती दी गई है। एक्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक याचिका दाखिल की है। राज्यसभा सांसद है सुब्रमण्यम स्वामी और अपने अधिकार में चारधाम क्षेत्र को लेना गलत। मामले में आज हाईकोर्ट सुनवाई कर सकती है। अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक याचिका दायर की है। अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं नैनीताल से। मामले में आज हाईकोर्ट सुनवाई कर सकता है। साथ ही आपको यह भी बताता है चारधाम देवस्थानम एक्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और ये चुनौती दी गई है सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। और सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका में यह भी कहा गया है कि अपने अधिकार में चारधाम क्षेत्र को लेना गलत है और इस मामले पर आज हाईकोर्ट सुनवाई कर सकता है। समीर शाह हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। समीर, याचिका में और क्या कुछ कहा गया है राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो ये जनहित याचिका है वो कल फाइल हुई थी और आज चौथे नंबर पे ये मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में लगी है और लगभग 10:30 से 11:15 के बीच में इस पूरे मामले में सुनवाई हो सकती है। और देखिए, जो जनहित याचिका है उसमें उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी की सरकार है, त्रिवेंद्र रावत सरकार है, उन्होंने जो चारधाम का देवस्थानम बोर्ड बनाया है, जिसका गठन किया है, उसको चुनौती दी है और उन्होंने कहा है कि यह असंवैधानिक है और जिस और जो मंदिरों को और जो चारधाम है जिस प्रतिबंधों को जो उन्होंने दिया है वो संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन है। और उन्होंने देखिए सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट है, जो पुराने उनके केसेस के जो जजमेंट है उनका भी उन्होंने कोर्ट में हवाला दिया है और आज इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। जी समीर, देवस्थानम एक्ट के बारे में और थोड़ा तफसील से हम आपसे जानना चाहेंगे जिससे और कुछ स्पष्ट हो सके कि सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका का उद्देश्य क्या है। जी बिल्कुल, देखिए जो सरकार है उन्होंने जब गठन किया था और उसके बाद जो तीर्थ और जो मंदिर के पुजारी हैं उन्होंने देखिए इसमें कई जो पुजारी थे उनका रोष देखने को मिला था और उन्होंने पूरे एक्ट के लिए सुब्रमण्यम स्वामी से मुलाकात भी की थी और कई जो पुजारी थे उन्होंने इसमें एप्लीकेशन भी उनको दी थी, जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया है। और इसके बाद देखिए आज पूरे मामले में सुनवाई होनी है और सुब्रमण्यम स्वामी कल देर शाम जो है नैनीताल पहुंचे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब भी पूरा एक्ट सरकार ने लागू किया था तो उन्होंने एक बार एक संकेत भी दिया था कि वो हाईकोर्ट जाएंगे, लेकिन सरकार ने अभी तक इसमें कोई तब्दीली नहीं करी है और एक्ट में भी कुछ चेंजेस नहीं करे हैं। इसको लेकर आज सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई होने की। शुक्रिया शुक्रिया समीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उच्च न्यायालय में मेरा एक याचिका पेश हो रही है, वो है कि सरकार यहाँ की उत्तराखंड की सरकार ने जो राष्ट्रीयकरण किया है या अपने हाथ में लिया है मंदिरों का, चारधाम का, वो अवैध है, हमारे मूलभूत अधिकार का उल्लंघन है।